बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अब आफत कंगना रनौत के दफ्तर पर पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज अनकट। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से शिवसेना नेता संजय राउत और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच चल रही जुबानी जंग उनके दफ्तर पर आंच लेकर आई है। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में ये कंगना रनौत का दफ्तर है, मणिकर्णिका फिल्म्स। ये मणिकर्णिका फिल्म्स लगभग 2 साल पहले कंगना रनौत ने खरीदी थी। उस वक्त 22 करोड़ से अधिक की कीमत में इस दफ्तर को खरीदा था और उस समय भी निर्माण कार्य किया था। तभी भी बीएमसी ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि निर्माण कार्य अवैध तरीके से हो रहा है। उसके कुछ वर्षों बाद फिर से रिनोवेट किया गया और जब कंगना रनौत की फिल्म आई मणिकर्णिका, उसके बाद इसका नाम रखा गया मणिकर्णिका फिल्म्स। इस प्रोडक्शन हाउस में कई कर्मचारी काम करते हैं। कंगना रनौत खुद आकर यहाँ पर बैठती हैं, कामकाज देखती हैं। ये देखिए नंबर 5 आपको नज़र आएगा पाली हिल का। कंगना रनौत का ये बहुत ही दिल के करीब ये दफ्तर है। कंगना रनौत ने खुद कहा कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब वो बॉलीवुड में अब मुकाम हासिल करें, एक जगह बनाएं, तो एक उनका खुद का दफ्तर हो और उनकी खुद के प्रोडक्शन हाउस एक कंपनी हो। और उन्होंने बांद्रा के पाली हिल में करोड़ों की कीमत में इस दफ्तर को खरीदा। लेकिन बीते दिनों से क्या हो रहा है? बीते दिनों से शिवसेना के निशाने पर है कंगना रनौत। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई सुशांत सिंह राजपूत केस से। सुशांत सिंह राजपूत के इस प्रकरण में कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए, कई बयान दिए, कई वीडियो जारी किए। एक बयान जो शिवसैनिकों को और विशेष तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत को खटक गई, वो बयान था कि मुंबई पीओके जैसी हो गई है, मुंबई पीओके जैसी हो गई। ये शिवसेना के नेताओं को नागवार गुजरा और इसके बाद संजय राउत ने कह दिया कि अगर उन्हें मुंबई पीओके जैसी लग रही है तो उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। जिस पर कंगना ने यह कह दिया कि मैं मुंबई 9 तारीख को आ रही हूँ, उखाड़ सको तो उखाड़ लो। फिर क्या, फिर तो विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, उपलब्ध कराई गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा सीआरपीएफ की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है केंद्र सरकार द्वारा। यानी कि 9 तारीख को जब वो मुंबई आएंगे तो वो वाई सिक्योरिटी के साथ मुंबई में दाखिल होंगी। लेकिन शिवसेना के नेताओं की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई, दूसरे पड़ाव पर आते हैं। दूसरा पड़ाव है, अब वो आ गई हैं शिवसेना के निशाने पर, यानी कि शिवसेना पर काबिज, शिवसेना है काबिज बीएमसी पर, मुंबई महानगर पालिका पर। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से शिवसेना बीएमसी पर काबिज है और बीएमसी ने अब सबक सिखाने का फैसला लिया है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर तो कई वर्षों से है, लेकिन आप देखिए मुंबई महानगर पालिका ने एक नोटिस दिया है। ये नोटिस मुंबई के एच वेस्ट वार्ड की तरफ से दिया गया है और इस नोटिस में क्या लिखा गया है? इस नोटिस में लिखा गया है स्टॉप वर्क नोटिस अंडर सेक्शन 354A मुंबई ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। यानी कि अंदर जो कोई भी नया निर्माण कार्य हो रहा है उस कामकाज पर रोक लगा दी जाए। और देखिए आप यहाँ पर टू ओनर ऑक्यूपायर मिस कंगना रनौत, बंगलो नंबर 5, चेतक रो हाउस, नरगिस दत्त रोड, पाली हिल, बांद्रा वेस्ट। इस पते पर, यानी ये जो आप कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म का पता देख रही हैं, इसी पर ये जो नोटिस है वो चिपकाया गया है। इस नोटिस में महत्वपूर्ण बातें क्या लिखी हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। बीएमसी ने क्या इंगित किया है? दरअसल बीएमसी के 4 सदस्यों की टीम सोमवार के दिन आई थी। उन्होंने पाया कि जो टॉयलेट का निर्माण है वो ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है, वो गलत तरीके से किया गया है। किचन को स्टोर रूम में बदल दिया गया है। इसके अलावा स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट बना दिया गया है। पार्किंग एरिया के नज़दीक स्टोर रूम और टॉयलेट बनाया गया है। पैंट्री बनाई गई है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है, यह अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा लकड़ी के वुडन प्लैंक को इस्तेमाल करके लिविंग रूम में केबिन बनाए गए हैं, रूम बनाए गए हैं जो कि गलत तरीके से बनाए गए हैं। पूजा रूम जो पहली मंजिल पर है उसको अवैध तरीके से बनाया गया है। टॉयलेट जो बनाया गया है, शिफ्ट किया गया है, वो गलत तरीके से। ये तमाम दलीलें दी गई हैं और इसीलिए स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया है। और कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगले 24 घंटे में उन्हें इजाजत पत्र देनी होगी। यानी कंगना रनौत को ये बताना होगा कि क्या उन्होंने इस बदलाव के लिए उचित इजाज़त ली थी। अगर उचित इजाज़त नहीं ली थी तो बीएमसी को ये अधिकार है कि वो कानूनी कार्रवाई करें, तोड़क कार्रवाई करें, वो अवैध निर्माण के हिस्सों को तोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत बनाम संजय राउत या बनाम शिवसेना का ये झगड़ा इस स्तर तक पहुंच गया है कि अब कंगना रनौत के दफ्तर पर इसकी आंच गिरी है और नोटिस जारी किया है बीएमसी ने और चेतावनी दी है कि अगर उचित दस्तावेज वो पेश नहीं करती तो उनका दफ्तर तोड़ा जा सकता है। हालांकि कंगना ने अभी भी
ये कहा है कि 9 तारीख को वो आएंगी, खुलेआम चुनौती दी है कि जिसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, वो डंके की चोट पर मुंबई में आएंगी और मुंबई में कामकाज करेंगी। शिवसेना का कहना है कि कंगना अपने बयान को वापस ले, माफी मांगे, तो इस पर शिवसेना कुछ विचार कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कंगना रनौत के दफ्तर पर आंच आई है। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में क्या कंगना कोई दस्तावेज पेश करती हैं या फिर बीएमसी का हथौड़ा इस दफ्तर पर चलता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।